दोस्तों ये हमारी एक इंफॉर्मेशन वीडियो है। थोड़ी सी हम समझते हैं इस वीडियो में क्या सीलिंग फैन में दो कंडेंसर का यूज कर सकते हैं, कहीं हमारी ये जो सीलिंग फैन की मोटर है वो जल्दी खराब तो नहीं होगी, इसके पीछे रीजन क्या है, तो उसको समझने के लिए सिंपल सा तरीका यूज करते हैं। मान लो कोई छोटी सी बाइक है जिसमें दो सवारी बैठनी है और हम लगातार तीन सवारी बैठाकर यूज़ करते हैं तो वो जल्दी थक जाती है, खराब हो जाता है। ठीक इसी तरह यहाँ पर अगर हम सीलिंग फैन में भी दो कंडेंसर का यूज़ करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि ज़रूरत से ज़्यादा ये दौड़ेगा, और ज़रूरत से ज़्यादा जब ये पंखा दौड़ेगी तो जल्दी थक जाएगी, इसकी मतलब इसकी जो सांसें हैं वो जल्दी टूटने लगेगी। तो मेरा मतलब ये है कि डबल कैपेसिटर लगाने से जो सीलिंग फैन की मोटर है वो जल्दी से जल्दी खराब होने की चांसेस होती है। हाँ कई बार इस कंडीशंस में अगर मान लो चार की कैपेसिटर नहीं मिल रही है और इसमें चार की कैपेसिटर ही लगेगी तो दो दो वाली दो कैपेसिटर लगा सकते हैं, वो चल जाती है। लेकिन अगर मान लो इस कैपेसिटर में ढाई की कैपेसिटर लगेगी, इसमें एक ढाई का लगा दिए और एक डेढ़ का और अलग से लगा दिए, स्पीड ज़्यादा देगी, इसलिए तो ये जो मोटर है ज़रूरत से ज़्यादा दौड़ेगी और इसकी सांसें जल्दी टूट जाएगी। इसकी जो सीलिंग फैन की मोटर जल्दी ख़राब होने के कारण ही ये डबल कैपेसिटर बन सकती है। दोस्तों हमारी ये सजेशंस, ये छोटी सी जानकारी कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, हमारी राय सही है या गलत कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बता दीजिए। फिर मिलते हैं हम नई वीडियो लेकर, आपके लिए फिर हाजिर होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।